शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक इन्होंने अलग विधर्भ के मुद्दों को सिरे से नकारते हुए महाराष्ट्र एक संघ एक राज्य ही रहे ऐसा उन्होंने कहा। आइए देखते हैं। शिवसेना के वरिष्ठ नेता प्रताप सरनाईक साहब हमारे साथ में, आइए उनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार यह अधिवेशन की और भी क्या विशेषता है। सर, जिस प्रकार से ये जो अधिवेशन का जो समय है, क्या लग रहा है आपको कि ये पूरा है या काफी कम हुआ है? नहीं, देखिए, अधिवेशन तो कम से कम 3 से 4 हफ्ता चलना चाहिए। पिछले सरकार में भी 2 हफ्ता 3 हफ्ता ये चलाया था, मगर ये अभी सरकार ही बहुत लेट स्थापन हो गए और मंत्रिमंडल की स्थापना भी अभी नहीं हो गई, इसलिए ये 1 हफ्ते का अधिवेशन विदर्भ के लिए लिया है। मगर जो हिसाब से कामकाज चल रहा है, अभी देखिए सब बिल पारित हो गए थे, सब बिल मंजूर भी हो रहे, बहुत सारे सदस्यों को लक्ष्यविधि के माध्यम से, औचित्य के मुद्दे के माध्यम से और अलग अलग जो डिपार्टमेंट है उसके माध्यम से चर्चा करने को संधि मिल रही है। बहुत सारे अभी आज और कल माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान होगा और उसके माध्यम से जो किसान है वो किसानों को बहुत कुछ मिलने की संभावना लग रही है, क्योंकि शिवसेना ने जो वादा किया था 25,000 हिस्ट्री दे देने का और साथ ही में कर्ज मुक्ति का जो नारा दिया था, तो उसकी पूर्तता होने जा रही है। सिर्फ हमारे पास जो तिजोरी है, तिजोरी में कितना है ये हम लोग देखने के बाद में आगे क्या प्लान करेंगे। सर, ये बताइए कि जैसे कि आपने कहा कि किसानों का जो है कर्जा पूरी तरह से माफ किया जाएगा, लेकिन राज्य सरकार की तिजोरी में जिस प्रकार से, क्या इतना पैसा है कि वो पूरा के पूरा किसानों को कर्जा माफ कर दे? ऐसा तो कभी भी तिजोरी भरा हुआ नहीं रहते। आज आप देख रहे हैं कि 7 लाख करोड़ की हमारे ऊपर कर्जा भी है, पिछले सरकार ने करके रख दिया है। उद्धव जी को ये सब कर्जा जो है देने के बाद हमारे किसानों को सेवा देनी है और उनको कर्ज मुक्ति करनी है, तो इसके लिए कोशिश तो करनी पड़ती है, अलग अलग माध्यम से पैसा इकट्ठा करके किसानों को कैसे कर्ज मुक्ति मिले, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। सर, यदि आज बाला साहब ठाकरे जी होते तो उनके मन में किस प्रकार की भावना रहती इस अधिवेशन को लेकर, क्या चला रहता क्या, क्योंकि आप वरिष्ठ हो? बाला साहब ठाकरे आज नहीं है, फिर भी उनका बेटा इस राज्य का मुख्यमंत्री है और हर शिवसैनिकों की एक इच्छा थी कि उद्धव जी इस राज्य के मुख्यमंत्री बने, वो इच्छा अभी पूरी होगी। तो किसानों के प्रति उनका जो प्यार है, किसानों को प्रति उनका अभी तक उन्होंने जो जो काम किया है, तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा आज तक के मुख्यमंत्री ने जो काम नहीं किया रहेगा उद्धव जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र सरकार करेगी। सर, आखिरी का सवाल, क्या विदर्भ अलग होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मैं भी विदर्भ का हूँ, मेरा जन्म भी वर्धा का है और मैं इसी विदर्भ को महाराष्ट्र जुड़ा हुआ मेरे मरते दम तक देखना चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, देश के टुकड़े होने और महाराष्ट्र के टुकड़े होने एक ही है, हम इस महाराष्ट्र के टुकड़े नहीं होने देंगे। तो आप थे शिवसेना के वरिष्ठ नेता जिन्होंने बखूबी बेबे के साथ ये कहा है कि विदर्भ को करते ही अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि विदर्भ का विकास तभी हो सकेगा जब वो महाराष्ट्र में रहेगा। नागपुर के विधानसभा से कैमरा पर्सन मोहर के साथ संजय मिरे, इनबीसीएन न्यूज़।